हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास टेंथ का साइंस का सिलेबस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, टर्म वन टर्म टू रिड्यूस सिलेबस है। आपको कौन कौन से चैप्टर में कितना पोर्शन पढ़ना है, कितना डिलीटेड है, सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर मिलेगा और एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन इसकी मिलेगी। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, बिकॉज आपको सब बता दिया है कि किस किस चैप्टर में से कितना पोर्शन आपको पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात, हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाओ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टर्म वन में देखो आपका केमिकल सब्सटेंस मतलब ये केमिस्ट्री जो है चैप्टर इसमें 1, 2, 3 आ रहा है, ठीक है, वो पूरा 16 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग जिसमें चैप्टर 6 है वो 10 मार्क्स का आ रहा है, और चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11 लाइट और जो आपका ह्यूमन आई है वो आपका 14 मार्क्स का आ रहा है। अब सबसे पहले एक बात आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है टर्म वन जो है आपका MCQ बेस्ड होगा, ठीक है, तो पूरा 40 मार्क का आपका टर्म वन होगा और 40 मार्क्स का ही आपका टर्म टू होगा। टर्म टू आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। टर्म टू में आपके चैप्टर 4 और 5 10 मार्क्स के आएंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग मतलब बायोलॉजी में आपके 8 और 9 चैप्टर आएंगे जो कि 13 मार्क्स के आएंगे। और इफेक्ट ऑफ करंट जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 12 मार्क्स का आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 15 है वो आपका 5 मार्क का आएगा। टर्म वन टर्म टू को मिला के 80 मार्क्स होंगे। इंटरनल असेसमेंट टर्म वन का 10 मार्क्स का होगा और टर्म टू का इंटरनल असेसमेंट भी 10 मार्क्स का होगा, जिससे आपका ग्रैंड टोटल जो है 100 मार्क्स का बनेगा। अब मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि आपको क्या क्या कितना कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के आपको 3 चैप्टर आ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का दिखाता हूँ आपको मैं। तो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं कटा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ना है, आपको डीपली इसमें स्टडी करनी है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ये सारा आपको पढ़ना है। रेडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सब पढ़ना है इसमें आपको, ठीक है। खाली जो आपका लास्ट का टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है कोरोजन और एंसिडिटी, ये आपका डिलीट हो चुका है, ये आपका नहीं आ रहा है। तो ये आपको ध्यान से, ये आपको नहीं पढ़ना है, कोरोजन और एंसिडिटी आपको नहीं पढ़ना है, तो ये आपका नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपको ये पढ़ना है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट, ये आपको पढ़ना है भाई, ठीक है। पीएच भी आपको पढ़ना है, ठीक है, हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़नी है एच प्लस और ओ एच प्लस आयन की। अब आपको बता देता हूँ, ये जो है ना पीएच स्केल, पीएच स्केल पे आते हैं, ये पूरा सेक्शन आपका आ रहा है, ठीक है, ये पूरा सेक्शन आपका आ रहा है। उसके बाद जो आपके कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स हैं सॉल्ट वाले, जैसे कि ये हो गया कॉमन सॉल्ट, NaOH हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ये आपके सारे आ रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी आ रहा है याद रखना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आ रहा है। तो ये आपको ध्यान से करके जाना है भाई, ये आपको 100% करके जाना है। तो क्या करना है एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये चीज़ पूरी चीज़ आ रही है, ठीक है। पीएच पूरा आ रहा है आपका, ठीक है भाई, पीएच पूरा आ रहा है। और पीएच से पहले जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपकी नहीं आ रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये आपकी नहीं आ रही है, ये आपको डिलीट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की, ठीक। मेटल एंड नॉन मेटल की अगर हम बात करें, तो मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं। प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसकी कौन कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी आ रही हैं मेरे हिसाब से। लेकिन आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कर लेना, बिकॉज इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो रिएक्टिविटी सीरीज भी आ रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज भी आ रहा है। ये क्रॉस जो लगा है पिछले साल का है, तो ये मत मानना कि ये नहीं आ रहा, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपकी आ रही है। उसके बाद आपका आयनिक कंपाउंड, ये भी आपका आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, मतलब आपका यहाँ तक चैप्टर आ रहा है। उसके बाद ये जो पूरा सीन है ये सारा डिलीटेड है, ये कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आयनिक कंपाउंड तक ही करना है। ध्यान से देख लो पेज नंबर 49, यहीं तक आपको करना है। तो केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर पता लग गए, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में एंसिडिटी कोरोजन नहीं आ रहा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो शुरुआत में प्रॉपर्टीज है वो नहीं आ रही, और नॉन मेटल में ये वाली जो चीज़ है अकरेंस ऑफ अ मेटल, इसके आगे से नहीं आ रहा। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस की भाई, ठीक है, बायो में एक ही चैप्टर आ रहा है आपका, लाइफ प्रोसेस पे चलते हैं थोड़ा आपको लेकर। लाइफ प्रोसेस की अगर आप बात सुन के हैरान मत होना, बिकॉज लाइफ प्रोसेस एक ऐसा इकलौता चैप्टर है जो पूरा आ रहा है। इसमें आपका रेस्पिरेशन भी आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी आ रहा है, एक्सक्रीशन भी आ रहा है, और आपका
क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपको करना है भाई, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, नो डिलीशन, ठीक है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है भैया जी। इसमें से पूरा चैप्टर आपको करना है, एंड तक सब कुछ करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ तक ये पूरा आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं लाइट की, अब हम बात करेंगे लाइट की। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं लाइट की, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो इसमें आपको स्फेरिकल मिरर ये पढ़ के जाना है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट ये भी आपको पढ़ के जाना है, स्फेरिकल मिरर भी आपको पढ़ के जाना है, इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन ये सारा आपको करके जाना है। ये जो आपको दिख रहा होगा रे डायग्राम्स जो हैं कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, ये आपको करके जाने हैं। इनकी डेरिवेशन नहीं आ रही है, इनकी डेरिवेशन नहीं आ रही है, ध्यान रखना। मैग्नीफिकेशन भी आपको करके जाना है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन, साइन कॉन्वेंशन, ये सारा कुछ इसका आ रहा है। रिफ्रैक्शन भी आ रहा है भैया जी, रिफ्रैक्शन भी पूरा करके जाना है, ये सारा करके जाना है। अगर हम बात कर लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ रहा है, इसमें आपको पूरा करके जाना है, कोई ढिलाई नहीं दी गई है। लेंस की बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के डायग्राम आपको इमेज फॉर्मेशन पक्का करके जाने हैं, ये आ रहा है आपका, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन इनकी डेरिवेशन नहीं आ रही है। एक बात और बता दूं, मैग्नीफिकेशन भी आ रहा है लेकिन इसकी डेरिवेशन नहीं आ रही है, पावर ऑफ अ लेंस भी आ रहा है और किसी भी चीज़ की डेरिवेशन नहीं आ रही है। तो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल ज़रूर इसके करके जाना है। तो लाइट चैप्टर एक तरीके से पूरा ही आपका आ रहा है। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें, ह्यूमन आई में आपका क्या आ रहा है, रिफ्रेशन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो ये सारी जो चीज़ें थी आपकी, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब डिलीट है, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है शुरुआत में। ह्यूमन आई तो आपका कुछ नहीं आ रहा, नाम का है बस, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से आपका आ रहा है, यहाँ से आपका आ रहा है, ये भी आ रहा है आपका पूरा, ठीक है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी पूरा आ रहा है, टिंडल इफेक्ट, ये बाकी पूरा चैप्टर आ रहा है। शुरुआत में जो था ना ह्यूमन आई, वो नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है। तो ये था भाई आपका टर्म वन का सिलेबस। अब मैं आपको दिखाता हूँ टर्म टू का सिलेबस। तो बच्चों टर्म टू में सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो इसमें सबसे पहले आपको ये वाला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है, ये सेक्शन आपका आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका पूरा आ रहा है, तो यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। ध्यान से देखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो यहाँ से आपको करना है 4.1 टॉपिक आपका पूरा आ रहा है, ध्यान से समझना, 4.1 पूरा आ रहा है। उसके बाद ये 4.2 जो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी आपका पूरा आ रहा है। उसके बाद जो ये वाले सेक्शन है, ये वाले सेक्शन है ना जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ये भी आपका आ रहा है, बिकॉज ये यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा सेक्शन है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपका आ रहा है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपका आ रहा है। होमोलोगस सीरीज भी आपकी आ रही है, होमोलोगस सीरीज भी आपकी आ रही है, नोमनक्लेचर आपका नहीं आ रहा, नोमनक्लेचर आपका नहीं आ रहा, होमोलोगस सीरीज आ रही है, नोमनक्लेचर नहीं आ रहा, ये कुछ भी नहीं आ रहा है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कुछ भी नहीं, इसके बाद से ऑक्सीडेशन एडिशन रिएक्शन बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें ना प्रॉपर्टीज आ रही हैं ना कुछ भी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, सोप भी नहीं आ रहा, माइसिल फॉर्मेशन भी नहीं आ रहा है, तो ये सब आपका डिलीटेड है। अगर हम बात करें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, डोबर्नियर ट्रेड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डोबर्नियर ट्रेड आ रहा है भैया जी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आ रहा है डोबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंडलीव की, मेंडलीव भी आ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वो भी आ रहा है। तो एक तरीके से चैप्टर 5 आपका पूरा आ रहा है, इस चैप्टर में कोई भी डिलीशन नहीं है, कोई भी डिलीशन नहीं है, सारा आपको पूरा कवर करके जाना है, तो ये चैप्टर आपका पूरा आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की, इसमें यहाँ से आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ से आपका कुछ भी नहीं आ रहा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी नहीं आ रहा है, तो इसमें आपका फिशन हो गया, ये सब आपका डिलीटेड है, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन, ये आपका कुछ भी नहीं आ रहा, आपका यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपको पूरा चैप्टर करना है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपका एसेक्शुअल भी आ रहा है, और एसेक्शुअल भी आ रहा है और सेक्शुअल भी आ रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल, तो प्लांट्स का ये वाला था, एनिमल्स का ये रहा, ये पूरा आ रहा है भाई आपका, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें अगर हम, तो ये भी पूरा सेक्शन आ रहा है। तो बेसिकली बात ये घुमा फिरा के है कि आपको चैप्टर ही यहाँ से स्टार्ट करना है, इससे पिछले का कुछ नहीं आ रहा, यहाँ से आपका पूरा चैप्टर आ रहा है। अगर हम बात करें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको देखो क्या करना है, मेंडल एक्सपेरिमेंट का नाम आपने सुना होगा, तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूरा आ रहा है, यहाँ से जो चैप्टर है ना ये वाला, देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, तो ये वाला पूरा आपको करना है, ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन अनबॉर्न बेबी, ये भी आपको पूरा करना है, और ये सब बाकी डिलीटेड है, बाकी सब डिलीटेड है, इवोल्यूशन से लेके ये पूरा आपका सब डिलीटेड है, और इन सब का चैप्टर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यहाँ तक आ रहा है।
अब आप कहोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो छूट गया, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा डिलीटेड है भाई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा डिलीटेड, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा डिलीटेड है। तो ये था बायोलॉजी। अब हम करते हैं फिजिक्स भाई, अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में दो चैप्टर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है भाई, इसमें आपका सब कुछ आ रहा है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट डायग्राम, सब कुछ आ रहा है भाई इसमें, रेजिस्टिविटी फैक्टर्स, ओम्स लॉ, सब कुछ आ रहा है। तो ये चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये सारा सिलेबस आपको पूरा आ रहा है, तो ये चैप्टर कुछ भी डिलीट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन की, इसकी जैसे कि आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी पोर्शन आ रहा है, जी हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक पावर भी आ रहा है, तो ये सारा कुछ इसका आ रहा है, तो ये चैप्टर में से कोई डिलीशन नहीं है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूँ, आपको इस चैप्टर की बात बताऊँ, तो ये चैप्टर भी आपका, इसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये भी आपको पढ़ना है, ध्यान से देखना क्या क्या पढ़ना है, बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, ध्यान से सुन लो, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार ध्यान से आप इसको करके जाओ। राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये आपको हमेशा की तरह आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका सोलिनॉइड भी आ रहा है, सर्कुलर लूप भी आ रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आ रहा है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक मोटर भी आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आ रहा है, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो कि इधर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इधर दिख रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये भी आ रहा है। उसके बाद जो ये वाली चीज़ें ना, इसके बाद से ये कुछ भी नहीं आ रहा, जनरेटर डिलीटेड है, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब कुछ डिलीटेड है। तो ये था भाई आपका चैप्टर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अवर एनवायरनमेंट की, ठीक है। अवर एनवायरनमेंट जैसा आपको पता है चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है, उसमें से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो उसमें से देखो भाई, सबसे पहले तो इकोसिस्टम आ रहा है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम। उसके बाद आपका आ रहा है ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन आपको पता है ना कहाँ पर है, देखो यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ भाई आपको, ये रहा ओजोन लेयर वाला, ये वाला पोर्शन भी आपका आ रहा है, इधर देखो ओजोन लेयर, ये आपको करना है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको पूरी करके जानी है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको करके जाना है। तो ये बेसिकली ये भी पूरा चैप्टर ही आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये था भाई अवर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपका टर्म वन टर्म टू का सिलेबस, ठीक है, ये है भैया जी, और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो और फैला दो, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, ठीक है। इतने अच्छे से आपको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कहाँ से आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके बाय।